रिवायती दस्तकारी और फन का कश्मीर घाटी हमेशा मरकज रहा है। तरह तरह के साजो सामान पर किस्मवार नक्शकारी से यहाँ के कारीगर बेजान चीजों में भी जान डाल देते हैं। तांबे के बर्तनों, कपड़ों, जेवरात और अखरोट की लकड़ी से लेकर ये कारीगर लाते दाद अखराजातों से कश्मीर की सकाफत को जाहिर करते हैं। जैसे पेपर मशी, जिसकी इजाद वादी में तकरीबन 14वीं सदी में हुई थी। इसे रंगीन शक्लें देकर प्यालों, ट्रे, टेबल्स और मुख्तलिफ जानवरों के डिजाइन में तब्दील करके नायाब बनाते हैं। इसके अलावा कश्मीर में भुने हुए शॉल, कालीन और कश्मीर नामदा भी अपने मुनफरिद अंदाज के लिए मशहूर हैं। वादी के शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि गांव के मर्द अफराद और ख्वातीनें भी आज के दौर में कदीम सकाफती कश्मीरियत को तरोताजा रखे हुए हैं। जैसे कश्मीरी वगू या कश्मीरी ट्रेडिशनल मैट, जो कश्मीर फन का बहुत पुराना और घरेलू अखराजातों का बड़ा हिस्सा रहा है। कारखंडर स्कीम के तहत आज भी वादी के कई इलाकों में ये फन ख्वातीनों के रोजगार का एक अहम जरिया है, जो हिंदुस्तान के बाहर भी तकसीम हुआ करते हैं, जिसमें कश्मीरी सेंगेज और कश्मीरी पतेज यानी चटाई भी शामिल है। इतना ही नहीं, यहाँ के दस्तकारों ने अपने हुनर से लकड़ी की ट्रेडिशनल चप्पल, जिसे कश्मीरी में खाव भी कहा जाता है, बनाकर आज भी अपना मियार कायम रखा हुआ है। इसके अलावा जंगली पेड़ की टहनियों की मदद से वादी के बेशतर इलाकों में किस्मवार टोकरियां, कांगड़ी वगैरह बनाकर इस दस्तकारी से कश्मीर में 40% अफराद रोजगार हासिल कर रहे हैं। वादी की ख्वातीनें कश्मीरी फिरन पर नाजुक और पेचीदगी से धागों से बुने हुए फूलों के अंदाज में तिला सजाने में महारत रखती हैं। बेशक ऐसे लातेदाद हुनर और कुदरत की तराशी हुई इस सरजमी से वादी जन्नत की एक सच्ची तस्वीर है।